तो सबसे पहले नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आई होप आप सबकी नवरात्रि बहुत अच्छी जा रही हो। आज है थर्ड वाला फास्ट, आज है थर्ड फास्ट और मैं भी सारे फास्ट रखती हूँ। इट्स बिन फ्यू ईयर्स, आई थिंक 3-4 ईयर्स कि मैं सबसे पूरे फास्ट रखती हूँ। पहले मैं सिर्फ एक या दो रखती थी, तो अभी मैं सब सारे फास्ट रखती हूँ। समहाउ आई एम मैनेजिंग वेल, तो बड़ा अच्छा भी लगता है इस ड्यूरेशन में, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। एंड देन इट्स लाइक यू गेट डिटॉक्स ऑल्सो, है ना, तुम खाना नहीं खाते तो यू गेट डिटॉक्स ऑल्सो। इंडिया में ईद है आज के दिन, तो यस, जो भी जिन तक ये व्लॉग पहुंचेगा, जो ये देखेंगे, उन सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। एंड आई होप आप सबकी ईद और रोजे सब कुछ अच्छा गया हो। तो यस, आप देखो ये व्लॉग, आगे के जो सारे जो भी लास्ट 2-3 डेज का मैंने कैप्चर करा है, तो आप लोग वो देखो। मैं आपको मिलती हूँ एंड ऑफ दिस व्लॉग में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आज आई हूँ बाहर, मुझे जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम कि मुझे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाना था, आईज चेकअप के लिए। तो आज मैं वहाँ पे आई हूँ और बस अभी चेकअप करवा लिया है। अभी मुझे बेसिक चेकअप हो गया, अभी फ्राइडे को अगेन आना है। तो मैंने कहा चलो फाइनली हो रहा है, महीने 1.5 महीने के बाद जाके मैंने करवाया है। मैं भी डिले करती रहती हूँ बस। तो अभी फिर मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ मार्केट दिख गई मुझे, सो मार्केट दिख गई। मैंने सोचा कि मुझे फास्ट के लिए कुछ कुछ फ्रूट्स भी लेने थे और कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी, तो मैं अभी जा रही हूँ मार्केट में लेने के लिए। तो आपको भी दिखाती हूँ, तो चलो चलते हैं। कुछ बॉइल्ड पोटैटोज ले लेते हैं। ये वाली छोटी ले लें, छोटी ले लेते हैं। दिस शुड बी दो पैकेट ले लेते हैं इसकी, एक थोड़ा ड्राई की तरफ ले लेते हैं ड्राई बनाने के लिए, और एक ये गरी ले लेते हैं। गरी मैंगो, ये बनाना चिप्स है, 150 ग्राम है और दिस इज़ फॉर 329। वेरी महंगा गाइस, बहुत महंगा। नहीं यार, यहाँ से ले रही कुछ, मैं कुछ और देखते हैं। हमारे वहाँ पे बनाना चिप्स कितने सस्ते होते हैं और यहाँ देख लो कितने महंगे। मतलब 150 ग्राम 3.49 का, 3.49 समझ रहे हो आप कितना होता है। मैं तो नहीं ले रही भैया इतने महंगे। कुछ और तो कुछ है ही नहीं यार, आलू ही लिया बस मैंने, देयर इज नथिंग एल्स। ड्राई फ्रूट मेरे पास है, पता नहीं तो ये लोग फ्राई भी किस चीज़ में करते हैं, इनका तो डर ही लगता है। मैं ढूंढ रही हूँ फ्रेश जूस। सो यस, मैंने ले लिया फ्लावर्स बिकॉज फल रह गए थे। बहुत हवा चल रही है, मैं घर जाके बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मैं घर जाके बताती हूँ। सो इतना सारा सामान लेके, फ्लावर्स लेके आ गई हूँ घर पे मैं। तो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टर के पास गई थी आइस के लिए, आइस चेकअप के लिए। तो बस डॉक्टर के पास गई मैं और अपनी अपॉइंटमेंट पूरी करी मैंने, और मुझे कुछ एक्चुअली फास्ट के लिए मैं कुछ ले नहीं पाई थी। ऑल दो आज से फास्ट स्टार्ट हो गया है, बट आज मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाए, तो मैं आलू वगैरह सब ख़त्म था वो सब लेके। फ्लावर्स लेने थे क्योंकि पूजा के लिए चाहिए थे, आज मैंने जैसे तैसे मैनेज कर लिया था, बट मुझे था कि नहीं मुझे फ्लावर्स चाहिए पूजा के लिए वो। तो फिर अब मैं फ्लावर्स वगैरह लेके आई हूँ, आलू लेके आई हूँ, पनीर लेके आई हूँ, ताकि जो मुझे फास्ट में काम आ जाएगा। तो अब मैंने बना लिया खाना वाना सब, और अब मैं फ्लावर्स लगा रही हूँ।
डेकोरेट कर रहा है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, बिकॉज मैं ज़्यादा सामान नहीं निकालना चाहती थी। तो ये आपके लिए क्लोजर सा लुक। एंड अभी शाम हुई है तो मैंने शाम की आरती करी है, अभी पूजा करी है, पास से आप देख लो। आप भी आरती ले सकते हो, आपको जो विश मांगनी है मांग सकते हो। ये मैंने खुद से डेकोरेट करा है, ये मेरे पास एक ये ट्री था छोटा सा, मतलब ये टावर सा था, इसको मैंने खुद से डेकोरेट करा है। हाउ इट लुक्स। तो यस, अभी चल रहा है स्किन केयर। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी करने का एंड टाइम ही नहीं मिल रहा था, बट अभी फाइनली, अभी मैं आंखें नहीं खोलूँगी, बट यस, ये हो रहा है मेरा रिलैक्सिंग टाइम। तो बड़ी वियर्ड लग रहा होगा अभी, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे एंड साइलेंस में पूरा ऐसे लगा के। सेल्फ केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल्फ केयर। अगर तुम अपना ध्यान नहीं रखते तो आप किसी का ध्यान नहीं रख सकते। तो यस, मैंने अभी कर लिया अपनी ब्रेड्स ऐसे, लुक एट दिस। तो यस, तो क्या करती हूँ मैं, तो मैं क्या करती हूँ एक्चुअली, जब थोड़े बाल धोने वाले हो जाते हैं ना, मतलब धोने वाले कंडीशन में आ जाते हैं और मेरा धोने का मन नहीं करता, तो मैं क्या करती हूँ ऐसे कर्ल कर लेती हूँ। मतलब मेरे को, मैं हीटिंग वाले कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लगाती, मैं ऐसे वाला ये रखा हुआ, ये आपने देखा होगा जो ऐसे आजकल बहुत सारी वीडियोज़ आती है इसकी, कि ऐसे सिर पर लगा के इसको ब्रेड्स कर लो और ऐसे ब्रेड कर लो, और सुबह जब मैं खोलूँगी तो जब सुबह मैं इसको खोलूँगी तो वो काफ़ी कर्ल हो जाएंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ हल्का सा, तो पूरा दिन अच्छा सेटल रहते हैं बाल। तो यस, तो आज मैं ये करके सोऊंगी एंड सुबह खोलूंगी इसको। मैं व्लॉग कंटिन्यू रहेगा कल भी, क्योंकि वैसे तो कल ऑफिस के काम है, बट जो भी जैसा भी रहेगा मैं आपको दिखाती रहूंगी। ठीक है, चलो मिलती हूँ फिर मैं आपको कल। हाय गाइस, तो हो गया है नेक्स्ट डे। तो मैं ऑफिस वगैरह ख़त्म करके मैं जा रही हूँ इंडियन स्टोर, बिकॉज मुझे कुछ सामान लेना है, फास्ट का आटा या साबुदाना कुछ लेके रख लूँगी, तो कुछ कुछ मसाले भी ख़त्म है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ इंडियन स्टोर। एंड बस अभी ऑफिस से निकली हूँ, यहाँ बज रही हैं 4:30, यहाँ हो रही है 4:30। एंड बस अभी जाके देखते हैं क्या लेती हूँ। वैसे तो जो दो तीन चीज़ें माइंड में हैं वही लेती हूँ। इंडियन स्टोर जाके तो मैं फैल ही जाती हूँ, मेरे को मन करता है मुझे क्या दिखा गाइस, बाहर का लो, क्या कहते हैं इसको, गंडोया, हमारे यहाँ गंडोया कहते थे। लुक एट दिस, व्हाट इज ही डूइंग, माय गॉड। तो यस, मैं जा रही हूँ अभी इंडियन स्टोर, जैसे कि मैंने बताया कि लेने के लिए सामान। तो मैं सोच रही हूँ जो अष्टमी और नवमी का सामान लेना है वो भी ले लेती हूँ, बिकॉज फिर बार बार कौन जाता रहेगा। अभी जा ही रही हूँ, ढो के ले आऊँगी किसी तरह, खुद ही जाना पड़ेगा, तो है अभी काफ़ी चीज़ें ख़त्म है, तो वो भी सब ले आऊँगी, सूजी वगैरह। एंड तो यस, चलते हैं और लेके आते हैं सामान फिर। तो आपको आज एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। तो जब मैं छोटी थी ना, तो मैं जब ग्रेजुएशन करके हुई थी, तो मैं ना हमेशा ऐसी कभी भी कहीं पे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखती थी ना इंडिया में, जैसे SBI का ऑफिस होता था और भी बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिस जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, तो मुझे ना वो देख के ऐसा लगता था यार कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि मैं भी ऐसी बिल्डिंग में काम करूँगी। कितने लकी लोग होते होंगे जो इतनी बड़े बड़े ऑफिसेज में काम करते हैं, लिफ्ट्स में आते हैं जाते हैं, तो उस टाइम में बहुत बड़ी बात लगती थी। और आज मैं वैसे ही ऑफिस में काम करती हूँ, ऐसी जगह पे रहती हूँ, तो बड़ा ही लकी फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। देख रही हूँ क्या मिलता है, और पतंग देख रही हूँ मैं।
व्रत का आटा देख लो कितना महंगा है। ऐसे नहीं बोलती मैं, सच में बहुत महंगा है भैया। 8.99 एक किलो, 1 किलो लेने के सोच रही हूँ क्या करूँ, मैंने देखते हूँ। छोड़ो, छोटा पैकेट ले लिया मैंने, और कुछ क्या लेना है मुझे, और करी पाउडर, मैगी मसाला, ये पैकेट 50 सेंट्स का एक ले लेते हैं। लाइफ का सबसे डिफिकल्ट काम पता क्या है? टेप का सिरा ढूंढना, कि कहाँ पे, कहाँ से शुरू हो रही है ये, कि कहाँ से शुरू हो रही है, सो डिफिकल्ट। तो हाँ जी, देख लिया आपने व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो। बिट्स एंड पीसेस में शूट करा है, बिकॉज पूरे वीक में कुछ एज सच कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी तो नहीं करती हूँ मैं, सिर्फ ऑफिस जाना होता है। बट हाँ, जब भी थोड़ा सा बाहर जाती हूँ तो आई कैप्चर इट एंड देन मैं उसको डाल देती हूँ व्लॉग में, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो और मैं मिस नहीं करना चाहती, मैं कंसिस्टेंट रहना चाहती हूँ व्लॉगिंग में, एंड आई डोंट वॉन्ट, बिकॉज मुझे खुद को अच्छा लग रहा है। जो चीज़ खुद को अच्छी लगी वो हमेशा करनी चाहिए, एंड मुझे ऐसा लगता है कंसिस्टेंसी इज द की फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। तो मैं वो ब्रेक नहीं लगाना चाहती अनलेस मेरा खुद का मन ना हो। तो इसलिए यस, आप ये व्लॉग देखो, जब तक मैं बना रही हूँ आप देखो। तो यस, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी कुछ समथिंग न्यू के साथ। तो टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।